like you. Be strong to hold the power. तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, मेरा नाम ध्रुव है और आप देख रहे हैं फिटनेस। तो आज हम बात करेंगे काफी लोग पूछते हैं कि भाई लोअर एप्स कैसे बनाने हैं, जो नीचे की दो एप्स बनती हैं वो कैसे बनेगी। हमारी चार तो बन गई, लेकिन नीचे की दो एप्स कैसे बनेगी, या वी लाइन जो होती है वो कैसे आएगी आपकी। तो आज हम वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको है ना इजी इजी ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करने से आप बहुत आसानी से ये सब फॉलो करोगे। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम कोई भी डाइट फॉलो करते हैं, या सपोज करते हैं हम कटिंग में, सो हमारी चार ऐप्स आसानी से आ गई मान लेते हैं। सो जो आप नीचे की दो लोअर ऐप्स होती है ना, वो आने में दिक्कत क्यों करती है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक कटिंग फेज में है और हम ऑलरेडी एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट में। सपोज करते हैं मैं 100 कैलोरीज कम खाता आया हूँ काफ़ी टाइम से, तो बॉडी है ना उसके अकॉर्डिंग यूज टू हो गई है। सो अब बॉडी यूज टू हो गई है, तो अब और ज़्यादा फैट लॉस करेगी नहीं। अब मुझे और ज़्यादा फैट लॉस करना है तो मुझे और क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा कैलोरिक डेफिसिट में जाना पड़ेगा, और ज़्यादा कैलोरिक डेफिसिट में आना पड़ेगा। सो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर वन टिप ये है कि हमको और ज़्यादा कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा, मे बी 100 और कैलोरीज का, 200 और कैलोरीज का। सो आप क्या देखेंगे, जो बॉडी में प्लेटू आ गया था ना, या फैट लॉस करना बंद कर दिया था, वो फैट लॉस करना दोबारा स्टार्ट कर देगी। सो जो आपके नीचे की दो लोअर एब्स हैं वो फटाफट से आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। और आपको उसका पता कैसे चलेगा कि आपका फैट लॉस होना दोबारा स्टार्ट हो गया, अगर आपकी वी लाइन अपीयर हो जाती है एब्स के साइड में, ओब्लिक्स के नीचे जो होती है। सो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका फैट लॉस होना स्टार्ट हो गया है। अभी सेकंड बात आती है कि लोग क्या होते हैं ना, जब भी ऐप्स की बात आती है तो ज़्यादातर सिर्फ ऐप्स की एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं, क्रंचेज मारी जा रहे हैं या हैंगिंग रेजेज जो भी है, वो ऐप्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन उस मोमेंट पे क्या करते हैं, वो जो अपनी बेसिक एक्सरसाइजेज होते हैं, कंपाउंड एक्सरसाइजेज, उनको अवॉइड करते हैं। अगर आप जिम में जाके बाइसेप लगाएंगे बस, या ट्राइसेप लगाएंगे, छोटे छोटे मसल्स हैं ये आसानी से ट्रेन हो जाएंगे। और जैसे ही आप कंपाउंड एक्सरसाइजेज लगानी स्टार्ट करेंगे ना, स्क्वाट्स, प्रेसेस, शोल्डर प्रेस हो गया, बेंच प्रेस हो गया, आपकी पेंट ओवर रोइंग होगी, डेडलिफ्ट हो गई, उससे क्या होता है आपकी कोर इन्वॉल्व होती है उसमें, पूरी की पूरी सारी छः की छः एप्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हैवी मूवमेंट लगाएंगे ना, कंपाउंड मूवमेंट, तो क्या होगा आपकी उसमें एप्स तो ट्रेन होगी होगी। उस मोमेंट पर क्या हो रहा है, आपका जो टेस्टोस्ट्रोन है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है। अब टेस्टोस्टेरोन जैसे जैसे आपकी बॉडी में इंक्रीज होगा, तो बॉडी के अंदर जो एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज हैं, एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज का मतलब फैट डिक्रीज करना और मसल इंक्रीज करना, वो अपने आप इंक्रीज हो जाएंगी। और अगर वो हो जाएगा तो आपकी एप्स अपने आप आ जाएगी। तो हमें फोकस करना चाहिए कंपाउंड एक्सरसाइजेस के ऊपर, और थोड़ा फोकस करना चाहिए एप्स की एक्सरसाइजेस पे, रेदर देन कि हम कम्प्लीटली डिपेंड हो जाए एप्स की एक्सरसाइजेस। तो हमें कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो दूसरी टिप मेरी थी कि कंपाउंड एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए। अभी थर्ड टिप मेरी रहेगी कि हमें अपनी डाइट में, देखो यार, ग्रीन टी हम ऐड कर सकते हैं। ग्रीन टी आप लोग बोलेंगे क्यों भाई, ग्रीन टी से मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट होगा, आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं वो साफ रहेंगी, आपकी मेटाबॉलिज्म जितना बूस्ट होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने से आपका खाना इजीली डाइजेस्ट होगा, और डाइजेशन इंप्रूव होने से ही आपका जितना प्रोटीन है आप खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, उससे क्या होगा, वो सारा इजी डाइजेस्ट होगा आपकी बॉडी में, और जब उसको रिक्वायरमेंट है बॉडी की तो यूज़ करेगा, इंस्टेंट की आप सुबह उठ के पॉटी कर देंगे तो सब प्रोटीन आपका बाहर निकल जाएगा। और थर्ड मेरा फोर्थ मेरा पॉइंट है वो है कि लोग क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड कर देते हैं कम्प्लीटली, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सो कार्बोहाइड्रेट्स मैं सजेस्ट करूँगा हमको 3 मील्स में खाना चाहिए, इवन हम कटिंग करें तब भी। फर्स्ट हो गई आपकी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में तो कार्बोहाइड्रेट्स आप अवॉइड करेंगे ही नहीं। सेकेंड आता है आपका प्री वर्कआउट मील, फोर्थ और थर्ड आता है आपका पोस्ट वर्कआउट मील। सो यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कार्ब्स हमें कब यूज़ करने हैं। लोग क्या करते हैं कि दिन भर खाते रहते हैं, रातों को खाते रहते हैं, वो गलत है। और कम या तो अगर खाएंगे तो ऐसे खाते हैं, या नहीं खाते तो कम्प्लीटली अवॉइड कर देते हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। सो हमको कार्ब्स को 3 टाइम तो इम्पॉर्टेंटली खाना ही चाहिए, वेदर आप मसल गेन कर रहे हैं या फैट लॉस कर रहे हैं। तो पहला हो गया आपका ब्रेकफास्ट में आप कार्ब्स खाएंगे, दूसरा हो गया आपका प्री वर्कआउट मील, जब भी आपका वर्कआउट से पहले कार्ब्स खाएंगे, एंड पोस्ट वर्कआउट भी आप कार्ब्स खाएंगे। तो आप देखेंगे कि अगर आप ऐसे अपने कार्ब्स को यूज़ करेंगे ना, मैनिपुलेट करेंगे प्रॉपरली प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट एंड ब्रेकफास्ट में, तो आपका फैट लॉस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। लोग करते हैं उसको हटा देते हैं, सो बॉडी क्या करती है, मसल खाना स्टार्ट कर देती है। प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन से कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी मसल खा रही है, तो मसल गेन कुछ होगा नहीं। इसके बाद जो मेरी अगली टिप रहेगी, अपनी डाइट में हमें लेमन ऐड करना चाहिए। अब लेमन जब मैं बोलता हूँ तो नींबू ऐड कर सकते हैं आप, मौसम भी ऐड कर सकते हैं,
कोई भी सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, ऑरेंज ऐड कर सकते हैं। सो इनसे क्या होगा ना, आपकी जो स्किन है वो स्मूथ होनी स्टार्ट होगी। वो थिन थिन क्वालिटी जो होती है ना, जो लोगों के अंदर आप देखते हैं कि थिन क्वालिटी कैसे होती है, लोअर एब्डोमिनल्स पे जो फैट होता है, अगर आप लेमन अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो वो बहुत जल्दी वहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, विटामिन सी। सो लेमन से क्या होगा आपका कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी, उससे जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है वो अगेन क्लीन होगा। एंड जो अभी मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ जो लोगों को पता ही नहीं है लेमन के साथ और क्या क्या कर सकते हैं। सो लेमन का आप पहले तो, आप लोग बोलते हैं कि चलो गर्म पानी में डाल के पी लो, ठीक है वो भी ठीक है, नींबू पानी बना के पी लिया। अभी जो नींबू का छिलका होता है, हम उसको अगर ग्रेट करेंगे तो अब बिल्कुल इतना मोटा मोटा भी नहीं खा जाना है, तो थोड़ा थोड़ा सा अगर आप उसको ग्रेट करके या थोड़ा थोड़ा सा नींबू के छिलके को छील के हल्का सा अगर आप खाएंगे, सो आप देखेंगे कि आपका लोअर एब्डोमिनल का जो फैट है ना वो जा रहा है। उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं नींबू के अंदर, आप सबको ही पता होगा, और ये कोई गलत चीज़ तो है नहीं जो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई दवाई बता रहा हूँ या कुछ और खाने के लिए बोल रहा हूँ। सो अगर आप उसको ट्राई करेंगे ना, नींबू पानी पीजिए, ट्राई कीजिए, और नींबू का छिलके को भी आप अगर हल्का सा एक चाकू से अगर आप हल्का सा ग्रेट कर देंगे और अपने नींबू पानी में ही डाल के पियेंगे, तो आपको उसके इफेक्ट्स दिखेंगे कि उससे क्या क्या आपको बेनिफिट होते हैं। और कार्ब साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं, ये भी एक टिप है कि कार्ब साइकिलिंग करने से भी आपको लोअर एब्स डेफिनेटली दिखेंगी। सो ये आज की वीडियो थी गाइस, जिसमें मैंने आपको होपफुली क्लियर किया है कि आपकी लोअर एब्स कैसे बनेगी, या आप जो नीचे का फैट होता है लोअर एब्डोमिनल का, स्टमक का, लोअर स्टमक का फैट, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो ये टिप्स आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इधर सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन दोनों को हिट कीजिए भाई, एकदम फ्री होता है वो। एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी हो गाइस उनका चैनल, आप मेरे को वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं, उनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड कार्ब साइक्लिंग की वीडियो को अगर आपको चेक करना है तो उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज जाके चेक कीजिए। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स ऑल फ्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या समझ आई तो प्लीज उसको शेयर कीजिए, एंड उससे क्या होगा कि चैनल ग्रो होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस, साइनिंग आउट। Hours of the sun.